होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। नमस्कार, जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज लोहारू जैन परिवार की तरफ से रजत शर्मा बनकर कुछ चुनिंदा मेहमानों पर आपकी तरफ से कुछ इल्ज़ाम पेश करूंगा, जिनकी सफाई पैरवी वे खुद करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं, आपकी भी हो रही हैं? सुनाई नहीं दे रही? स्वागत करें श्रीमान डॉक्टर श्री पद्म कुमार जी जैन का। वैसे आप सब इनसे वाकिफ हैं, लेकिन मैं आज इनके इंट्रोडक्शन में इनकी तरफ रोशनी करते हुए कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा जो इनको इंट्रोडक्शन करती हैं। आज आपकी अदालत में हम पेश कर रहे हैं लोहारू जैन परिवार के एक ऐसे रत्न को जिनकी कौशल और तेज गति को खुद लिम्का बुक ने सराहा, जिनकी किताबें हत्या एनाटॉमी ऑफ मर्डर और यातायात निर्देशिका को खुद राजस्थान गवर्नमेंट का सम्मान हासिल है। आप कई अन्य किताबों के मुख्य संपादक भी रह चुके हैं। आज हम पेश करेंगे राजस्थान के गौरव किस पुरस्कार के हासिल और ऐसे कई अन्य पुरस्कार के हासिल डॉक्टर श्री पद्म कुमार जी जैन, जो खुद जज रह चुके हैं और वर्तमान में लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। स्वागत करें डॉक्टर पद्म कुमार जी जैन का। नाना जी, मैं जैन परिवार को की तरफ से आपकी तरफ कुछ इल्ज़ाम पेश करूंगा, जो मैं खाली उनका नुमाइंदा हूं, हम सब आपको उस ऊंचाई पर देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इल्ज़ाम हम आप पे लगाना चाहते हैं और आज आप अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप पर पहला इल्ज़ाम है, आप अपनी उपलब्धियों क्यों जग जाहिर नहीं करते? नाना जी, पद्म कुमार जी, आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उपलब्धियों के बारे में केवल निकट परिचित को ही मालूम है। ना कभी आपने इनसे शेयर करी, ना कभी आपने हमें इनका प्रेरणा स्रोत बताई। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने अचीवमेंट का खुद बखान करते रहो तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। आपको अपने अचीवमेंट खुद बखान अपने अचीवमेंट का खुद बखान नहीं करते रहना चाहिए। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, यदि आपका कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, जो एक अचीवमेंट की श्रेणी में आता है, जिस पे आपको अवार्ड मिलता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को दूसरों को लोगों के साथ शेयर करना एक अच्छी बात है, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके। मैं इस कार्य को जब नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने जाता हूँ, उसमें ये कार्य हो जाता है। जब आप जाते हो तो ऑरेटर या ट्रेनर का परिचय कराया जाता है, उसमें आपके सारे अचीवमेंट आते हैं, और अचीवमेंट्स को जब जानते हैं ट्रेनीज, तो वो नेचुरली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं, तो इससे जनता को भी फायदा होता है और एक सोशल वर्क होता है। पर आम पब्लिक में आप अपने अचीवमेंट बताते रहो तो ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। हम आपके आम नहीं हैं, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, हम आपसे सिर्फ आपकी इसकी प्रेरणा स्रोत बारे में जानना चाहते हैं। आपने इतनी उपलब्धियां हासिल करी, हमें भी उस मुकाम पे पहुंचना हो तो हम किस राह को अपनाएं?
मेरे अचीवमेंट का श्रेय मैं उन ऑटोबायोग्राफीज को देना चाहूँगा जो बड़े जजेज ने या एडवोकेट्स ने लिखी थी। मैं इनको अपने न्यायिक सेवा के काल प्रारंभिक काल से पढ़ता रहा हूँ, इनसे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली। फिर हमारे लोहारू पर जैन परिवार के एक संस्कार हैं, हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने कार्य किया था। थैंक यू। पर आपकी इसके अलावा और भी इल्ज़ाम है आपके ऊपर। आप पर दूसरा इल्ज़ाम है जो कि आप सब वाकिफ मानेंगे, आप दूसरों को डांट खिलाने के कारण बनते हैं। पद्म कुमार जी, आप राज्य सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हैं। आप हम सब परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा, खूब अच्छा समय भी देते हैं। आप अपनी धर्म एवं परिवार के सभी सदस्यों को सही राह दिखाकर आगे बढ़ते हैं। तो आप हम सब जब ये कर पाते और अपने कार्य का हवाला देते हैं कि हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कार्य ज़्यादा है, तो हम सबको आपका उदाहरण देकर कहा जाता है, तो पद्म कुमार जी कैसे कर लेते हैं? और इसी कारण हम सबको आपके कारण डांट खानी पड़ती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक आदमी के जीवन में परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा है और हमें अपने हर अचीवमेंट के लिए, हर कार्य के लिए एक प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें। प्रायोरिटी में ऑफ़ कोर्स आपका ऑफिशियल वर्क, आपका राजकीय कार्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार का महत्व है, इसलिए परिवार को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर इस प्रायोरिटी को ध्यान में रख के अपना टाइम मैनेज करेंगे तो मेरा मानना है कि ऑफिशियल वर्क के साथ साथ आप परिवार की जो अपनी जिम्मेवारी है उसको भी बखूबी निभा सकते हैं। और जब आप ये कार्य अच्छी तरह करते हैं तो आपको एक संतोष मिलता है, उससे आप अपना ऑफिशियल वर्क भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे इस राह पे चलने की। आप में एक और खूबी है जो हम सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। आप हमारा तीसरा इल्ज़ाम है, आप हर काम रिमोट कंट्रोल से कर लेते हैं। वर्षों से परिवार के हर छोटे बड़े कार्यों को दूर बैठे ही आपने अंजाम दे देते हैं। हम सभी आपकी आसानी से मान लेते हैं। हम सब कई बार कहते हैं, पर आप एक बार कह देते हैं तो आपकी बात सुन लेते हैं। यहाँ तक कि इस शानदार आयोजन को, अंकित रुचिका के विवाह उत्सव को, आप जयपुर में बैठे बैठे इतना शानदार रूप दिया। आप ही कर्णधार रहे इस शानदार आयोजन के, और ये काम आपने वहाँ बैठे बैठे ही कर लिया। तो आप हमसे इस बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे, आपकी क्या प्रेरणा रही? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं लोहारू जैन परिवार का सदस्य हूँ। हमारे परिवार में सभी महत्वपूर्ण कार्य लगभग डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। डेमोक्रेटिक वे से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई वोटिंग से होता है, पर हमारे यहाँ हर बड़े डिसीजन में परिवार के हर सदस्य का से होता है। हर परिवार का सदस्य अपनी ओपिनियन दे सकता है और ओपिनियन के बाद जो एक निर्णय हमारा सामूहिक होता है उसको सब फॉलो करते हैं। सबके ओपिनियन कलेक्ट करने का कार्य मैं शुरू से करता रहा हूँ और उसके बाद जो भी निर्णय होता है नेचुरली वो पूरे परिवार का निर्णय होता है, तो सभी उसको मान्यता देते हैं। और ये परिवार के सदस्यों की महानता है कि वो अपने सामूहिक निर्णय को, जो मेरे थ्रू कन्वे होते हैं, उनको पूरे रिगार्ड देते हैं। और इसलिए बाहर बैठे हुए भी मैं जब ये बातें कहता हूँ या कोई सलाह देता हूँ, जो सलाह उस पर बेस करती है जो हमारे घर के सभी एल्डरली सदस्यों से सुझाव लेने के बाद हुई है, तो नेचुरली वो उसको सम्मान देते हैं और वो बाहर से कहने से भी वो अपना कहना मानते हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपने परिवार के हर सदस्य का आभारी हूँ। थैंक यू। आज के लिए इतने इल्ज़ाम काफ़ी हैं। हम ब्रेक के बाद आपके बारे में फैसला सुनाएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद। जोरदार तालियां, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने हमें प्रेरणा दी। आशा है हम सब इस राह पर चलते हुए इतने इल्जाम तो सह पाएंगे।